कुछ की आवाज नहीं आ रहा है। आपको वॉइस नहीं आ रहा है? क्यों उसने कहा? सर अनम्यूट कीजिए, फोन आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर, सर अनम्यूट कीजिए। हाँ ना सर, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा। यू पीपल गेटिंग अ कंपनीज इन एनआईटी पॉली, ऑल प्राइवेट कंपनीज लाइक सीएट टायर, महिंद्रा महिंद्रा कार एंड सो मेनी दूर ट्रांसमिशन देवगिरी, यू मे गेट प्रॉब्ली अ 10+ अपॉर्चुनिटी एट ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर रहाटे सर। मतलब प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एट ऑल नॉट अ प्रॉब्लम फॉर रहाटे सर। द प्रॉब्लम हियर इज ओनली यू दैट इफ यू वांट अ जॉब यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, इफ यू स्टार्ट वर्किंग यू विल गेट अ जॉब। ओके, सो गेटिंग अ जॉब और नॉट गेटिंग अ जॉब इज कंप्लीटली इन योर हैंड, एंड आई एम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू यू पीपल इन वेरियस प्राइवेट सेक्टर्स, दैट इज द जॉब ऑफ राठे सर, एंड ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन दैट एरिया। करेक्ट, सो ब्लाइंडली यू कैन से राइट नाउ दैट यस यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज, बट ओनली थिंग इज हाउ टू क्रैक दैट अपॉर्चुनिटी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, and today is one of the part of that. Okay, this is related to it interview. Second is government sector, railways, BSNL, this to be government jobs. Sir, I tell you, this is a request from my side. Students, those are financially strong, and you don't want support a job. So instead of concentrating on private sector, I'm requesting you concentrate on government sector. Because there are not many jobs available. If you just go through the employment news, यदि आपको आदत नहीं होगी तो आदत डालो। Employment newspaper weekly आता है, उसको पढ़ते रहो तो आपको पता चलेगा कि पॉली के बाद गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आपका टारगेट, यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आपने गवर्नमेंट जॉब थॉट करना चाहिए, सीरियसली प्रिपेयर करके गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वंस यू सेलेक्टेड इन रेलवे और सम गवर्नमेंट जॉब देन योर लाइफ विल बी फैंटास्टिक। डिफेंस सर्विसेज आफ्टर पॉली, आफ्टर ग्रेजुएशन देयर इज मोर चांस, बट आफ्टर पॉली आल्सो देयर आर फ्यू चांसेस, यू कैन एंटर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। एंड द लास्ट इज बिजनेस, आफ्टर 3 इयर्स पोस्ट यू कैन बी जंप एंड स्टार्ट योर बिजनेस। अब यदि आप ये पूरे ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप देखते हैं, तो यहां जाने के लिए या ये प्रोसेस क्रैक करने के लिए देर इज अ वन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट द कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज इंटरव्यू। विदाउट इंटरव्यू आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। विदाउट इंटरव्यू आपको जॉब ना प्राइवेट सेक्टर में मिल सकता है
ना गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकता है, ना डिफेंस सर्विसेज में मिल सकता है, और बिजनेस के लिए तो आपको इतने लोगों के साथ आपको इंटरव्यू देना है, बराबर है? क्योंकि बिजनेस का तो आपको बहुत लोगों को कन्विंस करना होता है कि आप अच्छे हैं, आपका बिजनेस अच्छा है, सो यू हैव टू देन गिव द इंटरव्यू टू द एन नंबर ऑफ पीपल. तो इंटरव्यू दिए बगैर, इंटरव्यू मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इंटरव्यू मीन्स व्हाट? इंटरव्यू का मतलब क्या है? आपको बताना है कि आप अच्छे हैं अगले के लिए. इंटरव्यू का मतलब क्या है? सिंपल है ना? अभी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट बोला मैच्योर्ड एंड कंसीडर दैट इज दैट कैन यू पीपल आर मैच्योर्ड. पार्टनरशिप के लिए अपन कन्विंस करते हैं ना कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं, करेक्ट? दैट इज नथिंग बट इंटरव्यू. यदि आपने कन्विंस कर दिया कि मैं आपके लिए सुटेबल हूं तो सिलेक्ट है, मतलब वन वे लव इनटू टू वे. इफ इट इज नॉट देन कंटिन्यू वन वे लव. आई होप यू अंडरस्टैंड इट इन द मैच्योर वे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. मतलब इंटरव्यू में करना क्या है? अपने आप को अगले को बताना है कि आप अच्छे हो और आपके लिए परफेक्ट. वो यदि बता पाए तो सिलेक्ट, नहीं बता पाए तो रिजेक्ट. आगे बढ़ते, पहला शायद सेशन होगा जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें चल रही है. मेरी बेटी फर्स्ट है. थोड़ा आगे बढ़ते क्योंकि एवरीवन यू पीपल हियर ओके फॉर गेटिंग अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें या इवन गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करें, दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस. क्या रहता है? पहला आपका स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स, करेक्ट? एकेडमिक्स में आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो. एनआईटी के फैकल्टी दे आर रियली गुड पीपल, स्ट्रांग टीचर्स. तो सभी लोग एकेडमिक्स में परफेक्ट है एंड एवरीवन गेटिंग अ गुड मार्क्स. अभी तो कोरोना आ गया है ना, ऑनलाइन एग्जाम्स है, एवरीवन गेटिंग अ 70+. एकेडमिक्स का कोई टेंशन किसी को भी नहीं. ऑफलाइन क्लासेस रहा तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि एनआईटी फैकल्टी दे आर रियली स्ट्रांग इनफ. आई मीन अ गुड एक्सपीरियंस, दे आर गुड पीपल. यदि आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो देन यू विल गेट चांस टू प्रूव योर सेल्फ वेदर यू गुड इन टेक्निकल और एप्टीट्यूड विद द हेल्प ऑफ वन टेस्ट. अब ये कैसा होता है देखिए, पॉली के लिए ये कभी भी ऑप्शनल रह सकता है, मतलब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा नॉर्मली. लेकिन इंजीनियरिंग या हायर जितना भी रिक्वायरमेंट रहता है उसमें टेस्ट के बगैर आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलता. बट इनके साथ पॉली कभी भी हो सकता है कि आपका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट ना हो, आपका कोई जो अपनी टेक्निकल टेस्ट ना हो, आपका क्या हो, डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक. लेकिन यदि इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन की बात करेंगे या उसके बाद की बात करेंगे तो टेस्ट के बगैर यू विल नॉट गेट चांस. टेस्ट में दो टेस्ट रहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट. बहुत शायद एप्टीट्यूड मे बी ऑप्शनल रहता सर, किसी कंपनी में रहता होगा किसी कंपनी में नहीं रहता होगा. ग्रुप डिस्कशन ऑप्शनल है आप लोगों के, पॉली वालों के. इंजीनियरिंग के लिए ग्रुप डिस्कशन ही मैंडेटरी नॉर्मल स्टेज रहता है. एंड द लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू. इंटरव्यू में भी दो स्टेज रहता है. दो स्टेज कौन सा है? एक टेक्निकल इंटरव्यू जो पहले होता है. टेक्निकल इंटरव्यू का मतलब है जिस पर्पज के लिए, जिस टेक्निकल चीजों के लिए, जिस काम के लिए आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं वहां का बंदा रहेगा, टेक्निकल बंदा रहेगा. यू विल चेक योर बेसिक टेक्निकल नॉलेज, आपका जो भी टेक्निकल नॉलेज है. ऑटोमोबाइल कंपनी है तो चेक करेंगे कि ऑटोमोबाइल के रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज है या नहीं. आप कपलिंग समझता नहीं है ना, जो भी यूनिवर्सल ज्वाइंट है वो समझता नहीं, समझता तो टेक्निकल क्वेश्चन वो यदि आपने क्लियर कर लिया तो आखिरी एक राउंड रहता है जिस राउंड को बोलते हैं एचआर राउंड. और एचआर राउंड ये ऐसा है उसमें सिलेक्ट होना या रिजेक्ट होना ये पूरा आपके हाथ में रहता है. यदि आप प्रिपेयर होके नहीं गए मतलब ऐसा सिंपल बता दो एचआर राउंड का एक कैसा है. देखो अभी मैं फिर से उसी एग्जांपल पे जा रहा हूँ. ऐसा बहुत बार होता है हमारे को, हमारे बड़े भाई
या बड़ी सिस्टर्स के शादी के वक्त तो डिस्कशन चलते रहता है। तो पैरामीटर हमारे डिसाइडेड है, वो डिसाइडेड होने के बाद भी आखिरी में क्या होता है, कुछ लड़कियों का रिजेक्शन होता है। और यदि उसको भी पूछे तो क्या बोलता है वो कि भाई नहीं, एजुकेशन ठीक था, देखने में भी ठीक थी, लेकिन वो मेरे टाइप की नहीं थी। मतलब मैंने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए मेरे पार्टनर के लिए, मैंने उसी हिसाब से हम लोग पोहा खाने गए, है ना, पोहा खाने गए ना, पोहा का जो कार्यक्रम होता है, पोहा खाने गए। पोहा खाने के बाद वापस आए, कंक्लूजन क्या निकला, लड़की अच्छी है, सुंदर भी है, क्वालिफाइड भी है, जो जो पैरामीटर सब पैरामीटर फिट बैठती है, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है। तो मेरे टाइप की है कि नहीं, दैट इज चेक इन नेचर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरी कंपनी है, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फुल टाइम फुल्ली डिवोटेड मेरे कंपनी के लिए काम करें। उसके दिमाग में कोई भी दूसरा थॉट कैंडिडेट के दिमाग में न हो। एचआर वालों में मैं सवाल पूछूंगा, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर फॉर्टी? और आपने बोल दिया कि आई एम प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। If you say you are planning for higher education and you are applying for an interview, correct? Getting a job, you are good in aptitude, you are good in communication, you are good in technical knowledge, you are good in all, you are selected up to technical level. Let us understand this. You are selected up to technical level, but you are not getting an offer letter from my company only because you answered wrong. That clearly indicates that you are good, but you are at all not useful for me, or that is not fitting as per my company requirement. So this is all about college HR. इसमें भी क्या चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस मैंने था कि डिस्कस करना। अभी तक समझ में आ रहा? ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जिस कॉलेज में मैंने टीआई के ऑफिसर के लिए मैं अभी तक 18 साल काम कर चुका हूँ, तो वही के इंटरव्यूज के फोटोज है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, ये समझना बहुत जरूरी है। हम कौन सा इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, ठीक है? और आप लोग बहुत ही लकी हो कि आपको वन टू वन इंटरव्यू फेस करने को मिलता है। मेरा यदि एक्सपीरियंस देंगे तो मेरे जितने भी टीआई के ऑफिसर के इंटरव्यू हुए, एज ए टीआई के ऑफिसर मेरे पूरे पैनल इंटरव्यू, रामदेवल में सिलेक्शन हुआ है तो टीएट के ऑफिसर, तो सिलेक्शन मेरे पूरे एचओडी बैठते हैं, मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं, ठीक है, सभी लोग बैठते हैं, तो कंप्लीट सा पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू सबसे टफेस्ट है, और आप लोग लकी हो कि आपको वन टू वन ही इंटरव्यू आता है। वन टू वन का इंटरव्यू का मतलब क्या है, एक इंटरव्यू लेने वाला, एक इंटरव्यू देने वाला। तो एक को कन्विंस करना आसान है, एक को समझना आसान है कि अगला क्या मांग रहा है, अगले को क्या एक्सपेक्ट है, उसके हिसाब से आंसर देना आसान है। पर एक साथ यदि 10 लोग बैठ गए, है ना, तो 10 लोगों का आंसर देना किसी का होता कैसा, वी इंडियन पीपल वेरी मच हैबिटुअल टू आस्क क्वेश्चंस, है ना, किसी को भी किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो आज कोई भी इंटरव्यू, मेरा भी इंटरव्यू आप में से कोई भी कैंडिडेट ले सकते, ठीक है, वी आर वेरी मच हैबिटुअल फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। सो यू पीपल आर लकी पीपल that you are getting one-to-one only interview. Second panel interview, probably only in the manager level, you will get that panel interview, because it is really difficult for new people at this age to face panel interview. क्योंकि एक का सवाल का जवाब देते नहीं, तो दूसरा जो है उसके दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहता है, किसके ऊपर, जो आप आंसर दे रहे हैं उसके ऊपर, and he again started asking question on that. तीसरा और बंदा वो वेटिंग करते रहता है कि मैं कब पूछूं। 10 लोग बैठे हुए, सबको लगता है कि मैंने एक दो सवाल तो पूछ नहीं थे, लेकिन मुझे बताया पैसे देके, लोगों को पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, दिखाओ सर्टेन एक्सपर्ट्स। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बेस्ड ऑन सिचुएशन ऑल्सो इंटरव्यू कैटेगराइज, वन इज फ्रेंडली इंटरव्यू और सेकंड इज स्ट्रेस इंटरव्यू। क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो,
आपको प्रेस में काम करना है, तो प्रेस में आप कंट्रोल अपना छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो वो चेक करते हैं समटाइम्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब वो कैसे पता चलता है कि आप प्रेस में भी काम कर सकते हैं कि नहीं काम कर सकते? आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, नहीं एक सवाल पूछेंगे उसका आप आंसर देंगे, उसको फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर पूछेंगे, ऐसे करते करते एक स्टेज आपके दिमाग का आ जाएगा कि यार सिलेक्शन करना है तो कर, ये तो हमारे रहाटे से दूसरी कंपनी बाद में देने वाले उसमें बैठे। ये स्टेज वो एचआर लाएगा ही लाएगा, यदि उसको ये चेक करना है कि आप प्रेस में काम कर सकते कि नहीं, प्रेस में आप अपना कंट्रोल संतुलन होते कि नहीं होते, ये यदि उसको चेक करना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है आपको, आपको प्रेस में काम करना है, बॉस गिविंग यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट यू हैव टू हैंडल एंड देन नंबर ऑफ प्रेस कंटिन्यूअसली ऑन योर माइंड एंड यू हैव टू मैनेज योर वर्क अंडर दैट प्रेस। तो दे चेक, तो आपको करना क्या है, कितना भी सवाल पूछे आपको अपने आप को सिर्फ इतना ही जवाब देना है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे जॉब लेने के लिए, और जिसको लेना है तो लेने के जैसा ही रहना चाहिए आखिरी तक, और अपने आप को सिर्फ क्या है पेशेंस रखना है, क्योंकि उसको आगे में भी दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेनी है, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा इंटरव्यू लेकर के छोड़ेगा तो जरूर, कि जब तक छोड़ेगा नहीं मुझे तब तक दूसरे का तो इंटरव्यू लेंगे नहीं। So keep patience, and that can be. So this is what. अब समझ लीजिएगा, आपको यदि mind में stress आ रहा है, समझ लीजिएगा ये कौन सा interview है, stress interview, and he is going to check whether you are able to handle the stress or not. Second is friendly interview. इसमें बहुत ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं. Friendly interview. Maximum लोगों की गलती है दोस्तों. आपको ऐसा नहीं पूछेंगे, what is your plan? After your calling, ऐसा नहीं पूछेंगे आपको, इतना फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट करेंगे पहले, और एक बार हम दोस्त बन गए तो फिर कोई भी चीज बता देते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि वो बताना नहीं है, लेकिन एक बार दोस्त बन गए तो फिर क्या है, तो एचआर आपके साथ कितने तार से बात करेगा, कैसा आपकी कैसा फैमिली कौन है क्या है, डिस्कस इन सच ए पैशन कि आपको लगेगा कि आपका दोस्त आपके साथ बात कर रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया। बराबर धीरे से जो उसको पूछना है वो पूछ लेगा, क्या पूछेगा, सो व्हाट योर प्लान इन आफ्टर 2-3 इयर्स, और आप क्या बोलेंगे, दोस्त तो बन गया अभी क्या चिंता, कितनी सर जॉब ले लूंगा, या तो आई एम प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज, यू कांट गेट जॉब सपोज एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, देन आई एम थिंकिंग अबाउट जॉब, तो उनके साथ फ्रेंडली रहना है, आप अपनी लिमिट को समझना है, लेकिन उनको वही बताना है जो आपको ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो बताना है उसको जो निकालना है वो नहीं बताना, अगर मैं क्या कहनी कुछ करो तो आप जब भी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू के लिए बैठेंगे बिल्कुल ही नहीं बताना है उनको कि यू आर रनिंग फॉर हायर स्टडीज, गलती से भी बता दिया तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब वो सिलेक्ट करेंगे तो उनकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे तो ये रहेंगे नहीं, तो दे विल नॉट सिलेक्ट यू, इवन यू आर गुड इन ऑल पैरामीटर्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंडली रहने के बाद क्या करना है, आपको यदि लगता है कि एकदम फ्रेंड जैसा बात कर रहा है, अगेन लेट अस अंडरस्टैंड यू आर देयर फॉर गेटिंग अ जॉब, ओके, कीप दैट बिकॉज़ ऑफ द लिमिट्स एंड ट्राई टू आंसर सिस्टमैटिकली ऑल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय दैट and then go ahead. Next. This is very much important. आप इनके लैंग्वेज में फिर से उसको समझा दो, जो भी कंपनी आ रही है उसको आपको 3-4 दिन पहले तो रहाटे से पता है, टाटा कंपनी हो, सेठ हो, महिंद्रा महिंद्रा हो, दूर तो कौन सी भी कंपनी, 3-4 दिन तो भी आपको पहले बता दो, तो आपका काम क्या है, पूरी लिस्ट बनाना अबाउट द कंपनी एंड अबाउट योर, दोनों लिस्ट बनाओ, मतलब लिस्ट क्या बनाएंगे, कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, उसके कौन से प्रोडक्ट है, अगर हो गया, अब ये जो कुछ है कंपनी के रिलेटेड मेरे पास क्या क्या है जो मैं उसके साथ फिट कर सकूं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं,
कौन सी कंपनी आई है, कंपनी की साइट देखो, कंपनी कहाँ का ऑफिस है वो देख, पता चला कि उसका ऑफिस पुणे में है नहीं। और आप बोल रहे हैं कि पुणे लोकेशन दैट विल बी बेटर, या ऐसी कंपनी आई है जिसका नागपुर लोकेशन नहीं है, एंड यू आर सेइंग कि भाई नागपुर, आई डोंट वांट टू रिलोकेट एनीवेयर, आई वांट टू डू वर्क इन नागपुर ओनली। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो भी कंपनी आ रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी ऑटोमोबाइल की है या जो भी है, पूरा लिस्ट आउट करो, देखो उसको, और अपने आप को भी ढाक के देखो कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उनको बताएंगे तो हमें ले लेंगे। सिंपल कैसा है, जैसे टू वे लोगो, वन वे लोगो, टू वे लोगो में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, वी लिस्ट आउट कंप्लीट थिंग्स, पैरामीटर्स, व्हाट इज सपोज टू बी रिक्वायर्ड, व्हाट लाइक्स एंड डिसलाइक, एंड वी ट्राई टू मोल्ड अवर सेल्फ। हम अपने आप को इतना चेंज कर लेते हैं, अगले को मिलिट्री कट चाहिए तो नेक्स्ट डे मिलिट्री कट। समझ लो मैं क्या कह रही, कुछ करो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो, जो चाहिए यदि वो आप में है, यदि आप बताएंगे इंटरव्यू में तो देन यू आर सपोज टू बी सिलेक्ट, और जो उनको चाहिए वो यदि आपके पास नहीं है, वो यदि इंटरव्यू में पता चल गया तो दैट पर्सन विल नॉट सेलेक्ट। तो ये आपको बहुत जरूरी करना है कि पूरा लिस्ट आउट करना है कि कंपनी क्या है, कौन से ब्रांचेस है, ठीक है, वो सब चीजें क्या करना, आपको चेक करना है, और आप में वो क्या है जो उनको अच्छा लगे, वही चीज इंटरव्यू में बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि ऑटोमोबाइल कंपनी है, आपने इंटर्नशिप यदि ऑटोमोबाइल कंपनी में की है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, जब आप, आपको सवाल पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ये चिपका ही देना है उसके अंदर, क्योंकि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलने के बाद क्या बताना है, दैट इज कंप्लीटली योर इन योर हैंड। तो वही चीजें बतानी है, वेन एवर यू गेट अ चांस टू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इन दैट टाइम यू हैव टू टेल द थिंग्स विच इज सपोज टू बी द रिक्वायर्ड बाय दैट कंपनी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे यू विल नॉट एम इन टू सिलेक्शन, राइट? तो प्रिपरेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंप्लीट स्लाइड ड्रेसअप, अभी ड्रेसअप बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको इंजीनियरिंग में हम बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ करना क्या है, ड्रेस पहनना है। यदि देखो कॉलेज में कैंपस होता है तो कॉलेज यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो फिर तो ड्रेसअप का कोई इश्यू नहीं है। तो यदि सराहा के साथ आपको ऑप्शन दे दिया है ना, ऐसा भी होता है ना कभी कभी, लेकिन सराहा के साथ होना नहीं, ठीक है, कुछ लोगों का कलर लकी रहता है, ये भी चीज है, किसी को शर्ट लकी है ना, सबके अलग अलग लकी अलग के बाद आप किससे रहते हैं। तो एक आध दिन आपने राठे सर को बोल दिया कि सर एक बार ऐसा करो ना सर, यूनिफॉर्म में हम इंटरव्यू के लिए, हो गया टेस्ट, हो गया सब, हुआ इंटरव्यू के लिए, हम लोग बोले सर हम अलग ड्रेस पहन के जाएंगे सर, उससे अलग रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसा ही कुछ रहता है, तो इस केस में करना क्या आपको, करना क्या आपको, जो भी ड्रेस पहनना है पहनना, आप आईने के सामने खड़े हो, और आईने के सामने खड़े होने के बाद आपको यदि वो आंसर ये आता है कि आप कहाँ जा रहे हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक हाई पोजीशन पे आप काम कर रहे हो और आप जॉब करने जा रहे हो, ये यदि फीलिंग आता है गो अहेड, और यदि फीलिंग ये आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी शादी में जा रहे हो, स्टॉप, चेंज योर ड्रेस। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? देखो आप इतने स्मार्ट हो, आप इतने स्मार्ट हो, और सोशल मीडिया इतना आजकल इजीली आपको पता चल जाता है, तो आपको इतना तो सेंस बन समझता ही है, क्योंकि अपन देखते ही बोलते हैं पकड़ा है कि ये इंटरव्यू, ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू में जा रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी शादी में जा रहा है, मतलब हम इन लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद को तो हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे से बेटर कोई जज नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मुझे लग रहा है मैं मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा हूँ, यदि वो यदि कॉन्फिडेंस मुझ में आ रहा है ना, दैट इज नाउ एंड गो अहेड। और लेकिन कुछ चीजें बराबर कैरी करनी पड़ेंगी, बैग, अरे बैग के अंदर डॉक्यूमेंट है नहीं है, पर वो सब चीजें आपको राठे सर बताएंगे उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट रखना क्या, ऑल दैट पार्ट, लेकिन बैग हाथ में रखना, एग्जीक्यूटिव बैग हाथ में रखना बहुत जरूरी, मतलब आपको देखते बराबर लगना चाहिए कि ये इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ये इंटरव्यू के लिए आया है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए घूमने के लिए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई
कुछ दूध वगैरह या सब्चीज लेने के लिए जा रहा है, कैरिंग योर डॉक्यूमेंट इन वन बैग, एंड दैट कैसा आना चाहिए जिसके बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहूंगा। देखिए एक चीज जानना होती है, फर्स्ट टाइम उनको आप मिल रहे हैं, करेक्ट, फर्स्ट टाइम जब उनको मिल रहे हैं तो पहला इंप्रेशन ऐसा होना, अरे ये कैसा एकदम सिंसियर, करेक्ट, स्मार्ट, अरे अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, ये फीलिंग आपके ड्रेसअप से ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रेसअप कैसे करें। एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिए बप्पी लहरी इतना गोल्ड पहनते हैं, करेक्ट, यही गोल्ड यदि सपोज एक नॉर्मल आदमी ने पहना तो लिख के देता उसको, कोई भी बोले पगला है, पर बप्पी लहरी पहनते तो कोई बोलता है कि उनको क्या पगला है, अरे क्या सही है बप्पी लहरी की, क्या स्टाइल है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मतलब आपको जो भी स्टाइल करनी है ये कब करनी है, वंस यू प्रूव दैट यू आर गुड वन, सुना मैं क्या कह रहा हूं, वंस यू प्रूव दैट यू आर गुड वन एंड देन वंस यू प्रूव अदर्स दैट यू आर गुड वन, देन व्हाटएवर स्टाइल यू पिक पीपल एक्सेप्ट इट वेरी इजीली एज अ स्टाइल, एज अ स्टाइल, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बताना नहीं चाहूंगा, आपको सब समझता है, नेल्स कैसे रखने, क्या रखना है, सिर्फ अपने आप को आईने में देखिए, आईने में ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में जा रहे हैं, यदि लगता है कि शादी में जा रहे हैं या फिर सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो डोंट स्टॉप एंड चेंज द इंटरव्यूज में क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, योर कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए पहली बार आपसे वो मिला हुआ है, करेक्ट, आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आप जो बताएंगे उसके ऊपर उसको विश्वास रखना ही है, आप जो भी बताएंगे, आपने बताया कि क्रिकेट इज योर हॉबी, उसको विश्वास रखना ही है, गार्डनिंग इज योर हॉबी, रीडिंग बुक्स इज योर हॉबी, विश्वास रखना ही है। फिर सवाल भी उठता है कि आप कैसे उसको बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंस आप उसपे आपके बोलने में है, क्योंकि आप जब झूठ बात बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं, बराबर है। रीडिंग न्यूज पेपर ये भी आपकी हॉबी नहीं है, यदि इंट्रोडक्शन If you are saying that reading books is your hobby, तो definitely क्या होगा? बोलने में कुछ ना कुछ vibrations आएगा, आपके eye contact सही नहीं रहेगी, तो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, आप करके देखिए ना, जो टीचर को आप कभी रिस्पेक्ट देते, मतलब कि ऐसा एक आधा टीचर जिसको आप रिस्पेक्ट ही नहीं देते, उसको गुड मॉर्निंग बोलिए और दूसरे को ऑब्जर्व करने के लिए बोलिए, और ऐसा टीचर जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते दिन से उसको गुड मॉर्निंग बोले और बाकी को ऑब्जर्व करने के लिए बोलिए बोलिए, यू विल फाइंड डिफरेंस। This is a complete God made, we can say the qualities. So this is very much important. आप कितना confidently बात करते हैं, आपके बातों में कितना confidence है, वो अपने आप interaction में पता चलता है, whether you are saying good मतलब correct or wrong. Your manners सब पता चल जाता है. See, let us understand how you enter in for the interview now, how you sit for the interview, how you answer the question. ये सब जो है क्वेश्चन की जो है पता चल जाता है, whether you are having manners, etiquettes and manners or not. अब यदि हम एक ही टॉपिक पे डिस्कस करें तो हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाए, तो दैट व्हाई आई डू नॉट टू डिस्कस दोस पार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दीज आर द थिंग्स विच इज ऑब्जर्व इन इंटरव्यू, ठीक है। आप जबके साथ जब 10 मिनट इंटरेक्शन होता है ना, 10 मिनट में बहुत सारी चीजें चेक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके क्या मैनर्स है, whether you are having good manners or not, etiquette and manners, आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, whether you are mature person or only you grow by age, not by intellectuality, things check, okay, automatically indirectly, control on English, ये देखिए बहुत मैंने एक दो बार हमें चांस भी मिला कि पॉली लड़कों का इंटरव्यू लेने का, मैक्सिमम पॉली वाले बच्चे बोलते हैं सर कैन आई स्पीक इन मराठी या हिंदी। अब देखिए ठीक है कि प्राइवेट कंपनीज एज अ टेक्निकल लेबर दे रिक्रूट यू, तो दे डोंट एक्सपेक्ट मोर इंग्लिश, पर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज ट्राई टू अपग्रेड यूर, इंग्लिश के बगैर इंजीनियरिंग में कोई मजा नहीं, इंग्लिश को इतना बढ़ाए कम से कम आप इंग्लिश में अगले से बात करें, क्योंकि आगे चल के आपको क्या मौके आएंगे हमें नहीं मालूम, पता चला कि ऐसा आगे सामने वाला क्लाइंट है जिसको सिर्फ इंग्लिश ही समझता है, और आप ही के में से ऐसा
स्टूडेंट जिसका इंग्लिश अच्छा है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन गॉट अ जॉब इन कैंसर इन हिज कंपनी, बहुत कुछ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से चालू कर दीजिए। उसके लिए क्या क्या करना है, सिंपल तरीका है, न्यूज़पेपर हिंदी मराठी ना पढ़ते हुए एक बात पढ़ो, समझा नहीं समझा तो भी चलता, पढ़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, न्यूज समझा नहीं समझा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, किसी का मर्डर हुआ आपको समझा नहीं समझा फर्क क्या पड़ने वाला है, मर्डर हुआ समझा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मर्डर हुआ ये भी समझा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन आप यदि इंग्लिश एक बात पढ़ेंगे करेक्ट, और उससे यदि आपको सेंटेंसेस पता चल गए कैसा था सिंपल बच्चा बार बार बोलते हैं क्या इंग्लिश इज अ वेरी बंडी बंडी लैंग्वेज है ना, आई कैन स्पीक आई कैन वॉक ऑल दोस इंग्लिश। यदि आपको सीखना है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज चैनल ही देखिए, एक दूसरे से बात करते चैटिंग करते तो इंग्लिश में ही कीजिए, कोई भी कम्युनिकेशन आपको करना है रिलेटेड टू योर बुक्स एंड ऑल दोस डू इट ओके इन इंग्लिश लैंग्वेज। यदि एक दो तीन चीजें कुछ चीजें कर लेते हैं ठीक है, सुनना बोलना और कोई भी बातों में इंट्रैक्शन करना लिखना वगैरह है, यदि आप इंग्लिश में करते तो लिख के दे दो विद इन 2-3 ईयर्स, आपको अभी तो 1 ही साल के अंदर आपको इंटरव्यू देना है या 6 महीने के बाद इंटरव्यू देना है, विद इन 6 मंथ्स आल्सो ही कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसमें देना चाहूंगा, सुबह करता दोपहरता वाता है ना, ये जो हमारी गणपति की जो आरती है कितने कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं हम लोग, और उसमें यदि वर्ड देखते तो बड़े बड़े वर्ड्स कितना कॉन्फिडेंटली बोल लेते, और वही यदि दूसरा आप लेते हैं कौन सा पुष्पांजलि जो कि हम रेयर आधी बार बोलते हैं करेक्ट, क्या होता है नहीं बोल पाते कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस और उसका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन एक ही है, जो वर्ड्स आप बार बार यूज करते हैं वो वर्ड्स फ्लुएंटली हमारे मुंह से निकलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन कितना बड़ा वर्ड है, इंथुसियास्टिक कितना बड़ा वर्ड है, तो कितने प्यार से आता है, और जो छोटे छोटे वर्ड है वो हमारे मुंह से प्यार से नहीं आते, स्लोली कॉन्फिडेंटली नहीं आते, क्यों नहीं आते, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स रेगुलरली। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा चाय पीते बात है, कब तक करना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता मिनिमम तब तक समझे, इंग्लिश में ही बात करो। मुझे मालूम है मेरा एक दोस्त है, मैं आई पास आउट बी फ्रॉम ICSE, हम नॉर्मल सिटी बस से ट्रैवल करते जाता हूँ, और आपकी सिचुएशन जैसी मेरी सिचुएशन थी, मैं भी छोटे से गांव से 500 गांव के बस्ती से हूँ मैं, तो मेरे कुछ एक दोस्त है वाघमारे करके वो बंदा वो भी काम करने से था, पर जैसे अभी मैं बता रहा हूँ शायद वो किसी एकादे स्पीकर के कारण वो मोटिवेट हो गया, स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश में हर चीज इंग्लिश में बात करता था, और हम लोग उसमें से मैं भी हम उसके ऊपर हंसते थे, उसमें से मैं भी कि हम उसके ऊपर हंसते, और आज वो कहाँ पे बड़े कंपनी में बड़े पोजिशन में, आज कम से कम उसका 2.5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी, दिस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तो दिस इज ऑल अबाउट द कहने का मैं क्या कह रही हूं कुछ कर रहा हूं, इंग्लिश आपको आपको इंप्रूव करना है, स्टार्ट स्पीकिंग स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश। यदि ये आपने 6 महीना 1 साल कर लिया, लिख के देता हूँ सिलेक्शन होने तक जितना इंग्लिश लगता है इंटरव्यू के लिए तो यू विल एबल टू क्लियर, बॉडी लैंग्वेज शिक्षण की जरूरत नहीं, that automatically see कहीं अभी पता नहीं गुड़ा पैट कहीं मयत हो गई है वहां हंसी आ सकती क्या, कितना भी हंसने के लिए बोलेंगे तो भी हंसी नहीं आ सकती, कहने का मतलब what I'm trying to tell you जो चीज आप दिल से करेंगे, यदि आप इंटरव्यू में गए हैं और आपको वो जॉब चाहिए वो यदि सीरियसनेस आप में है वो सीरियसनेस ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में दिखने वाला है, पर यदि वो सीरियसनेस नहीं है तो कैसा, राठ सर ने कितने में बुलाया 10 बजे, कॉलेज में पहुंचेंगे कितने बजे 12 बजे, बराबर है, वहां पहुंचने के बाद फिर दुनिया भर के स्कूल करके बड़े मुश्किल से बैठ जाएंगे, बैठने के बाद फिर दुनिया भर के स्कूल चलते रहेंगे आपके इंटरव्यू तक, और इंटरव्यू में क्लियर कर आपका बॉडी बोलेगा कि यार मुझे नहीं चाहिए, देना तो दे जाओ नहीं तो जाने दे, लेना इंटरव्यू तो पहले ले, नहीं तो मेरे को निकल नहीं रुक सकता, मेरे को 8:30 बजे ऑलरेडी मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दी, दिस इज ऑल। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज क्लियर कट पता चलती है बेस्ड ऑन योर नीड, यदि आपकी नीड है आपका यदि उसमें इंटरेस्ट है तो बॉडी अपने आप आपको सपोर्ट करेगी।
पीछे देखो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपका ड्रेसअप, आपका जो ड्रेसअप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। सेकंड, आप जिस तरह से एंट्री करते हो फॉर इंटरव्यू, तो आपके उस फर्स्ट मिनट में ही आपका डिसीजन क्लियर हो जाता है कि इसको लेना है या नहीं है। यदि आपका इंटरव्यू बढ़ रहा है तो उसके दो ही रीजन है, क्या कि ये मुझे तो सिलेक्ट, आई एम हियर इन दिस कॉलेज कंडक्टिंग अ कैंपस फॉर व्हाट पर्पस, फॉर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट, नॉट फॉर रिजेक्टिंग अ कैंडिडेट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आपके दिमाग से निकाल लो, बहुत लोगों का ऐसा होता है, अरे उसको लड़की नहीं लेना था, फालतू में आया था, टाइम पास करने आया था, तो मेरे जैसा कोई लड़का मिल सकता है क्या? डोंट थिंक इन दैट वे, बिकॉज ऑल कंपनी दे आर इन्वेस्टिंग अ मनी इन अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सो दे आर हियर फॉर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट, नॉट फॉर रिजेक्टिंग द स्टूडेंट। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू रिजेक्टेड, इट मींस समथिंग रॉन्ग इन यू, एंड दैट एनालिसिस दैट यू हैव टू डू इन एवरी फेलियर, दैट वी विल डिस्कस दैट। तो आपका ड्रेसअप अच्छा है एंड वेरी एंटर, सो विद इन that 1 minute that HR decide whether to select or not. और एक आधा सवाल पूछ लेगा, क्या tell something about yourself or introduce yourself, और वो अपना काम करते रहेगा। यदि आपने confidently अपने आप को introduce in proper English, तो क्या होता है, okay बेटा you may go now, okay? तो फिर हमारे क्वेश्चन क्या आते हैं, मैंने तो इंटरव्यू हार्डली 1 मिनट ही हुआ, बाहर में आते बराबर चालू हो जाता, कभी कभी वायमा में भी ऐसा होता, जो होशियार लड़के हैं तो क्या करते, अच्छा चल क्या है स्टूडेंट नंबर नहीं करना के नाइन, अरे ठीक है तू जा ओके, बाहर आके डिस्कशन चल रहा था, मेरे तो देख रहा हुआ, मेरा एक क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ। उसके दो रीजन है, एक तो आपको पहले मिनट में रिजेक्ट किया है, पहले मिनट में सिलेक्ट किया, तो आपके दोनों चांस हो सकते हैं, एकदम से सिलेक्ट या एकदम से रिजेक्ट। यदि यदि ऐसा लड़का कभी कॉलेज में आए नहीं, वो वावे के लिए है, इसको क्या पूछ रहे हैं, इसको तो कुछ नहीं आने वाला, तो पूछ के व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, रिजेक्ट। एक मिनट उसका भी इंटरव्यू हुआ जिसको 20 में से 20 मार्क्स दिए मैंने, लेट्स अंडरस्टैंड। और ऐसे लड़कों को भी एक मिनट में बताया जिसको 20 में से मुझे सबसे लोवेस्ट जो देना है, मुझे लोवेस्ट दिए, फिर इंटरव्यू किसका ज्यादा पड़ेगा जिसके बारे में कंफ्यूजन। मतलब जो लड़का आगे जाता है उनके बारे में क्या है, कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन क्या है, इसको मार्क्स ज्यादा दू या कम दू, इसको सिलेक्ट करूं या नहीं करूं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आपका इंटरव्यू यदि लेंथी हो रहा है, आपका इंटरव्यू यदि बढ़ रहा है, समझ लीजिए कि उसको डाउट है कि ये मेरे काम का आएगा कि नहीं, मेरे काम आ सकता है कि नहीं, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो लग रहा है, और एक सवाल पूछ के देखते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल इसका कम लग, और एक सवाल पूछ के देखते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसको आपको यदि लेंदी हो रहा है तो कोशिश कीजिए उसको जो भी सवाल आगे में आ रहे हैं उसको प्रॉपर पॉजिटिव उसको दे देंगे, और कभी भी तालियां मत बजाइए जब तक लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो, क्योंकि हमें नहीं मालूम एक मिनट का इंटरव्यू रिजेक्ट लिए हुआ था या सिलेक्ट हुआ है, तो जब तक लिस्ट नहीं लगती तब तक आप डिसाइड, मतलब आप तालियां मत बजाइए, किसी को कांग्रेचुलेशन मत कीजिए कि यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, क्योंकि ये एचआर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कंपनी वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर यू आर गुड और बैड, क्योंकि आपको तो लगता है मैंने सही सवाल के जवाब दिए, पर सवाल के यदि गलत जवाब दिए तो ना, मैंने बताया व्हाट इज योर प्लान, यू सेड दैट यू वांटेड टू डू हायर एजुकेशन, आई वांटेड टू डू सपोज एजुकेशन फ्रॉम अदर कंट्री, क्यों भी कुछ आपने बोल दिए, या यू सेड दैट आई वांटेड टू बी अ मैनेजर विद इन अ 2 इयर्स, ऐसे कुछ आंसर तो हमने फ्लुएंटली दे दे, एकदम इंग्लिश हाई फाई तड़ातड़ इंग्लिश दे दिया, तो आपको लगेगा तो मैंने तो बहुत ही फ्लुएंटली बोल दिया, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपने बोल दिया कि विद इन अ 2 ईयर यू वांटेड टू बी मैनेजर, और मैनेजर आपका इंटरव्यू ले ला, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को तो 10 साल लगे मैनेजर बनने के लिए, ये बंदा बोलता है कि 2 दिन में मेरे पोजीशन में, 2 साल में मेरे पोजीशन में आना चाहता है, तो क्या दिखता है, वो ओवर एम्बिशियस है बंदा, यदि इसको लूंगा तो क्या होगा, ये मेरे बाकी टीम को भी खराब करेगा, वो बंदा क्या स्ट्रांग है, गुड कम्युनिकेशन, टेक्निकल गुड, सब कुछ गुड है, लेकिन इंटरव्यू में ये पता चला कि ये ओवर एम्बिशियस, इसको यदि लूंगा तो मेरा क्राउड खराब करेगा, करेक्ट,
वो उसको नहीं लेगा, इवन इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, करेक्ट? सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक इस पेड़ नहीं बांटना और किसी को कोई कॉम्पिटिशन नहीं बोलना था, एनीथिंग। आप ये जैसे कॉन्फिडेंस दिखाने के छोटा सा ये दिया हुआ है, जैसे इंटरव्यू में ऐसी कोई सिचुएशन है, चेयर है, जो कुछ है, तो अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग तरीके बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है उसको यूज करना। किसी भी स्पीकर ने या किसी भी करियर गाइडेंस वाले ने यदि आपको बता दिया कि ये करो, कॉन्फिडेंस बताने के लिए ना, कोई बताता है डोर को नॉक करो टक 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 बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरव्यू, एकदम कॉन्फिडेंटली करो, नॉक ऐसा करो कि अगले को लगे हाँ इंटरव्यू के लिए, पता चला कि ऐसा इंटरव्यू रूम है जिस इंटरव्यू रूम को डोर ही नहीं है, क्या बनाएंगे वहां पर भी बने सीधा लावण सर को बोल सर यहाँ तो डोर ही नहीं है सर, कॉन्फिडेंस आज दिखाओ। क्योंकि इंटरव्यू ये होता ही ऐसा है कि अगले को क्या चाहिए, यदि अगले को रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दीजिए, अगला यदि स्टेट फॉरवर्ड है तो स्टेट फॉरवर्ड लीजिए, अगला यदि स्टेट फॉरवर्ड है यंग बंदा है यंग एचआर है ही वांट अ स्टेट फॉरवर्ड बस, करेक्ट, जाइए जस्ट थ्री बॉडी पोस्चर और आई कॉन्टेक्ट, टेक अ परमिशन थ्रू आई कॉन्टेक्ट एंड देन सिट डाउन। पर यदि कोई एजेड है एकदम 60 रिटायर्ड बंदा है देन सिटिंग एंड देन, तो एजेड पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग मोर रिस्पेक्ट एंड ऑल, तो जितना कुछ हमारे पास बटर है लगा दीजिए सर, कह रहे सीट है ना, तो जितना भी कुछ करना है आप कर सकते, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गो। सो दिस इज ऑल अबाउट, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ये सिर्फ आपको मालूम है। जैसे पहला क्वेश्चन, प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन आना गलत है, ये सवाल का जवाब सवाल आना ही आना है। Introduce yourself. Tell something about yourself. Right? अब इसका जवाब मेरे पास है क्या? आपके पास है। और उसमें क्या करते रहना है? ये नहीं रहना है। I am passing from this NIT Poly, mechanical, ये सब कुछ तो बायोडाटा में लिखा है। ऐसा क्या एडिशनल आपके पास है which is supposed to be good for that company? तो इसलिए आपको बना था कंपनी का पूरा डिटेल देखिए, आपका खुद का शॉर्ट एनालिसिस करने बताया, तो शॉर्ट एनालिसिस करके देखिए कि आप पे क्या अच्छा है या क्या परफेक्ट है जो उस कंपनी के लिए फिट बैठता है, और आपके क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप उसको वो चीजें अटैच कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं ये पीपीटी रख दूंगा, यू कैन गो टू दैट आफ्टर। तो किसी भी सवाल का जवाब, क्योंकि आप यूनिक है, एवरीवन यूनिक, तो सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेसेस अलग अलग है, तो कहने का मतलब है जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आंसर भी अलग अलग रहेगा। लेकिन सब लोगों को क्या एक आदत है, गूगल बाबा से रिज्यूम निकाल लेते हैं, है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते, उसके बारे में नेक्स्ट इस पे डिस्कस करते हैं। सवाल बहुत बार पूछते हैं, मैं क्यों आपको रिपीट करूं बताओ? कुछ नहीं सर, आपको कैंडिडेट चाहिए, मैं कैंडिडेट हूं, ले लो, नहीं लेगा मतलब आपको झूठ लगता होगा। मेरा जब रामदेव में सिलेक्शन हुआ, मतलब मेरे खुद के क्वेश्चन, मुझे सवाल पूछा जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे पहले, गोले सर, ही वर्क इनिशियली एज अ हेड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ही इज वन ऑफ द मेंबर फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, इज वेरी स्मार्ट पर्सन। यदि आप गोले सर का अभी थोड़ा सा हिस्ट्री, आप 5 साल पहले वाला हिस्ट्री आप देखेंगे, वन ऑफ वेरी स्मार्ट पर्सन ही वर्क इन योर कॉलेज एज अ प्रिंसिपल। ही आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, Sir, tell me why I should hire you, or why you wanted to join Ramdev Baba. अब बताइए, उसके पहले मैं कहाँ काम कर रहा था? KDK College और Ramdev Baba College, the two different, है ना, बहुत बड़ी gap है, salary में भी बहुत बड़ी gap है। वहाँ पे suppose उस वक्त मुझे कितने मिलते थे? 26, और वहाँ यहाँ पे मेरा जो increment हुआ था, तब 35। अब simple answer है,
सर केडी के में कम पगार मिलता है, आपके पगार ज्यादा मिलता है, तो मुझे पगार ज्यादा चाहिए तो ले लो भाई। मैंने कहा नस्ता मार रहा टाइम टू टेल यू, लेकिन मैंने जवाब क्या दिया, मेरा जवाब देखिए सर, इफ यू लुक एट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई डिड माय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम वीएनआईटी एंड ओनली रामदेव बाबा कॉलेज हैविंग अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन एंड व्हाट आर नॉलेज आई गेन ड्यूरिंग माय एमटेक एजुकेशन, I will get chance to explore that technical knowledge in only in Ramdev Baba, because only Ramdev Baba having industry engineering branch. And if you look at my experience, I work in a, as a placement coordinator in the PNB department, and I bring n number of multinational company, unknown company to Nagpur region. And if I got a chance to your branded college, Ramdev Baba, so it will be very easy for me to bring a branded company in a branded college. That will be very easy for me, and that's why I'm looking and feeling that I'm the best for you. And I got selected based on that answer. Let us understand what I'm trying to tell you is. Answer state दे ही सकते हैं। आपको वही answer देना है कि उसको उसको मालूम है ना कि उसके वो 20-30 लाख पगार ज़्यादा देने वाला इसलिए candidate नहीं आप apply कर रहे, ये तो क्या? मेरे पास आज भी वो achievement करके उसका offer letter मेरे पास wrong है। It's a very big achievement form. So this is all about. So this is very much important. सवाल के जवाब देते वक्त आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या अगले को क्या चाहिए, यदि वही आपके आंसर में है तो डेफिनेटली वी गेट बेस्ट, अदरवाइज दीज आर द सो मेनी क्वेश्चंस। ये मैं दे दूंगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा कि हु इज योर रोल मॉडल, रोल मॉडल का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा कि तेंदुलकर इज योर रोल मॉडल, तो तेंदुलकर के रोल मॉडल तो बाद में नेक्स्ट सवाल ही आएगा, व्हाट क्वालिटी यू फील दैट गुड इन सचिन तेंदुलकर, डू यू फील दैट यू हैव दैट क्वालिटी इन योर पर्सन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, हर सवाल के पीछे जवाब है, मतलब अगले ने सवाल किया जवाब दिया, जवाब में फिर सवाल है, फिर जवाब दिया, जवाब में फिर सवाल है, लेट अंडरस्टैंड, आप जो बोल रहे हो पूरे कॉशियसली रह के आंसर देना, जो भी थिंकिंग आपने बोला है सर रीडिंग इज माय हॉबी, ओके व्हिच बुक्स यू रीड, लेटेस्ट आपने बता दिया कोई बुक, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अ कवर पेज ऑफ दैट बुक, समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब आपका झूठ वहां पर पकड़ा जाता है, करेक्ट, जैसे आपने वहां रीडिंग न्यूज पेपर बोल दिया, ओके सो टूडे यू रीड न्यूज पेपर, यस सर, ओके व्हाट इज द हेडलाइन इन हितवादा इन फ्रंट पेज, अब एक चीज ध्यान रखिए, वो अगला सवाल पूछ रहा है उसने हितवादी नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा होगा, ही जस्ट चेकिंग योर कंप्यूटर विदर यू आर सेइंग मतलब लाइक और विदर यू आर सेइंग, सो दैट इज चेक बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बताते वक्त ध्यान रखिए, यदि आप ऑटोमोबाइल कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं और लकीली आपका काका मामा चाचा कोई तो भी ऑटोमोबाइल कंपनी में है, try to be keep that person as a your reference, correct, and then try to be attached that ki bhai in my family my this uncle is working automobile company and every time I interact with him and getting update about automobile sector, so that's why it's a dream company, automobile company is a dream sector for me, attach karna padega, let us understand this, correct, question related to your academics, matlab ek semester mein bahut 70% है, एक सेमेस्टर में 60% या 50% है, आपको सवाल पूछ सकते हो, अच्छा व्हाई यू गॉट लेस मार्क्स इन सेकंड सेमेस्टर, अच्छा व्हाई यू गॉट 70+ इन फिफ्थ सेमेस्टर, कुछ नहीं सर उस वक्त मैं सीरियस हो गया था, इस वक्त सीरियस नहीं था, बेटा सर अंडरस्टैंड दिस, आंसर देते वक्त स्मार्टली आंसर देना पड़ेगा, यू से दिस ना, नहीं सर मैं थर्ड सेमेस्टर सीरियस नहीं था, ऐसा लग रहा था कि चलो क्या करना है इंजीनियरिंग आ गया, इस तो मैं सीरियस हो गया था, मुझे जॉब चाहिए था, दैट्स व्हाई आई एम, सो देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, सो दैट आई वाज सफर फ्रॉम अ ट्राइपॉड एंड दैट्स व्हाई दिस अफेक्टेड टू माय परसेंटेज, कुछ तो भी लॉजिकल आंसर स्मार्टली, ये तो बोल रहा हूं मैं स्मार्टली आंसर देना है हर क्वेश्चन का, फेंकना भी है लेकिन फेंकना कैसा है कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगले को तो चल रही है, क्योंकि अगले को अगला फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है, आपको उनको नहीं मालूम आपको ट्राइपॉड हुआ था कि नहीं, आपको कोविड हुआ था कि नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, आप जो बोलोगे उसके ऊपर उसका विश्वास रखना ही है, पर आप जो बोल रहे हो उसके बाद जो सवाल आने उसके लिए प्रिपेयर रहना,
एंड देन आंसर विद द कॉन्फिडेंस. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इसके ये इसके ऊपर तो बहुत लोग रिजेक्ट हुए, कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए. कभी कभी ऐसा होता पूरा इंटरव्यू होने के बाद, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? फिर चालू कर देते, सर कितना सैलरी मिलेगा, सर कितने साल के बाद हमारा प्रोफेशन पे कंप्लीट होगा, तो हमारा परमानेंट कब होगा, है इट डिपेंड ना, कुछ नहीं पूछना है या पूछ भी सकते, इट डिपेंड ना, इट डिपेंड. क्योंकि ऐसे सवाल मत पूछिए जिसके आंसर ऑलरेडी आपको दिए हैं ड्यूरिंग अ पीपीडी, प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, इसमें सब बताया जाता है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका बॉन्ड क्या रहेगा, बहुत कुछ पता रहता है. तो आप सिंपली सही बोलिए उनको, नो थैंक्स, नो इशू, ऐसा करके उसको क्लोज कर दो. और आपको यदि लगता है कि आपका इंटरव्यू खराब गया है, ऐसा भी आपको लगता है, आपको यदि लग रहा है कि नहीं मेरा 100% रिजेक्शन होने वाला है, तो देन यू कैन ट्राई टू आस्क वन और टू क्वेश्चन विच विल सपोज टू बी क्रिएट अगेन पॉजिटिव इंप्रेशन टू द एचआर एंड देन वो क्या रहेंगे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. बाबा को देखेंगे तो आपको दुनिया भर के रिज्यूम के फॉर्मेट मिलेंगे, आपका क्वालिफिकेशन उसमें आना चाहिए, करेक्ट, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आनी चाहिए. स्ट्रेंथ क्या, जो आपको लगता है आपके बारे में कि आप अच्छे हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ. आजू बाजू के लोग भी आपके बारे में बोलते हैं, उसके ऊपर मेरा अगेन 1.5-2 घंटे का सेशन है, इट इज ऑल शॉर्ट एनालिसिस. तो ये जो चीजें हैं रिज्यूम, देखिए सबसे पहले इंप्रेशन किससे बनता है, आपका एकेडमिक्स को तो कोई नहीं देखता, एकेडमिक्स सिर्फ किसके लिए है, आपको एग्जाम में बैठने देना कि नहीं देना, दैट्स इट. आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बैठने देना कि नहीं देना, दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेज फॉर ऑफ दैट फर्स्ट स्टेज फॉर द स्क्रीनिंग दैट यूज ऑफ दैट एकेडमिक्स. उसके बाद नेक्स्ट कहां से इंप्रेशन बनता है, इंटरव्यू में आपका ड्रेसअप और उसके बाद आपका रिज्यूम. आपके जाने के पहले ही बहुत जगह पे आपको रिज्यूम पहले देना पड़ता है, रोज कभी देखो सिचुएशन दोनों हो सकती है, रिज्यूम आप साथ में कैरी कर रहे हो, दैट मे बी अ सिचुएशन, और यू आर ऑलरेडी फॉरवर्डेड योर रिज्यूमे एंड दैट पर्सन कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू. तो आप जाने के पहले रिज्यूम ऑलरेडी वहां पहुंच गया, तो रिज्यूम में ऐसी चीजें होना जिसको देखते बना उसको लगा रही ये बंदा सही लग रहा है, इसके 70% सेमेस्टर ओके, ही वर्क एज अ प्रेसिडेंट आल्सो, आई ही डिड इंटर्नशिप आल्सो, ओके हिज स्ट्रेंथ इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, दैट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब रिज्यूम में आपको वही चीजें डालनी है जो उसको चाहिए, और रिज्यूम में जो डाला है उसके आंसर आपको आने चाहिए, वही रिज्यूम में चाहिए. देखो समझो मैं क्या कह रहा, कंपनी को जो चाहिए वो रिज्यूम में आना चाहिए, और रिज्यूम में जो लिखा वो आपको आना चाहिए. तो रिज्यूम में लिखा कुछ और उसके ऊपर ही सवाल पूछने वाले, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके साथ मिल रहे हो, उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो रिज्यूम में देखेगा. ओके, योर रीडिंग न्यूज पेपर इज योर हॉबी, विच न्यूज पेपर यू रीड यूजली? सर हिंदवाद सर. ओके, सो कैन यू टेल मी द एनी लेटेस्ट हैपनिंग और yesterday any you can say the news, what news, let us understand what I am trying to tell you. Aapka jo resume hai, jaise wahan likha rahega you work as a vice president or president, okay, what responsibility you handle in the president forum post, okay, tell me any activity which you coordinated by you, let us understand what I am trying to tell you. Aapne jo bhi likha ek ek word aapke resume mein uske explanation aapko chahiye. आपने जो भी वीकनेस लिखा उसका आंसर आपको देते आना चाहिए. आपने बोला कि कम्युनिकेशन इज योर वीकनेस, पेशेंस, दिस पेशेंस इज योर वीकनेस, कुछ भी आपके जो भी वीकनेस है, आपके जो भी वीकनेस आप लिखते हैं उस वीकनेस को, क्योंकि पूछेगा क्या उन्होंने क्या, ओके टेल मी विजय हाउ यू कम टू नो दिस इज योर वीकनेस, समझ गए, तो कहने का मतलब आप जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर उसके आंसर हमें पता है, पता है उसको कैसे हमें आंसर देना है वो उसके लिए हमने रेडी है. जैसे किसी ने कहा कि भाई ओके यू हैव यू फील दैट यू आर लेस कॉन्फिडेंट, लिख सकते हो, लेट्स जस्ट नहीं लिख सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन मेंशन लेस कॉन्फिडेंट इज योर वीकनेस. वो सवाल पूछेगा, अरे यू मेंशन दैट यू हैव
less confident as your weakness. What is your plan to overcome this weakness? Or when you come to know that you have a less confidence, तो कोई बताई भाई ये चांस मिला था देन आई लूज माय कॉन्फिडेंस इन अ पब्लिक सो दैट्स व्हाई आई फील दैट आई एम स्टिल वीक इन अ कॉन्फिडेंस नाउ व्हाट यू आर डूइंग देन टू ओवरकम दैट वीकनेस आई अंडरस्टैंड दिस इज माय वीकनेस नाउ सर बट ड्यू टू दिस आई एम डूइंग दिस एंड देन आई होप दैट राइट नाउ आई एम गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस एंड डेफिनेटली विद इन अ वन मंथ और विद इन अ फ्यू डेज डेफिनेटली आई विल ओवरकम दैट मेरा वीकनेस क्या मालूम है क्या मेरा वीकनेस Over involvement in one assignment is my weakness. Over involvement in one assignment. अभी मैं यहाँ भाषण देने आ रहा हूँ। मैं आप भूल गए होंगे इनका भाषण भूल गए। भूल गए होंगे कि मैं अभी आज एचयूडी करके मेरा चार्ज है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। वहाँ लोग आ रहे जा रहे कुछ हो रहा क्या हो रहा मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं ना आई ओवर इन्वॉल्व ओनली इन भाषण कि मेरा भाषण परफेक्ट होना चाहिए वार्ड प्रदेश सर ने मुझे बुलाया है लोगों ने तालियां बजानी चाहिए लोगों ने मुझे बोला कि यार कहाँ पर सर जैसा कोई बोल नहीं सकता Let's understand. This is my supposed to be the weakness. Whatever assignment I got, I complete that assignment with the top height. That is my craziness. And that is my weakness. Now, sir, ये weakness कैसे क्या हुआ? ना problem तो है. मैंने तो बोल दिया weakness है, but this is weakness. अब बताइए, ये weakness है कि strong है, strength है. Weakness है. मैं प्रूव कर सकता हूं ये वीकनेस है मेरा क्या होता है कि इन्वॉल्व इन ओवर इन्वॉल्व इन वन असाइनमेंट यू लूज एन नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स करेक्ट तो अगला क्या सवाल पूछेगा सर कंपनी के हिसाब से तो सही है भाई आप रात दिन काम करेंगे मेरे लिए मेरे को क्या प्रॉब्लम है ऑफिस दिया है चेयर दिया है कंटिन्यू क्या हुआ उसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मेरा वीकनेस क्यों है क्योंकि इस तरह से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छा है गुड रात दिन काम करो भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है पैसा इतना दूंगा जाते जो भी मेरा पगार डिसाइड हो इतना पगार दूंगा आपको रात दिन काम करो यार यही पैसा हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो दैट इज सपोज टू बी यू हैव टू कीप एज एन एज तो स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता रहना चाहिए और यदि वीकनेस पता है तो उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो आपको अगले को बताएंगे क्योंकि मैं उस वीकनेस को कैसे ओवरकम करता हूँ देखो हर हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास खुद मेरे बना के रेडी है हाउ आई ओवरकम दैट वीकनेस डेली आई नोट डाउन माय असाइनमेंट्स इन अ मॉर्निंग ओके 4, 5, 6 व्हाट आर द असाइनमेंट इज एंड देन ऑन अ फ्राइडे बेसिस आई कंप्लीट माय असाइनमेंट्स तो कोई मेरा जो वीकनेस है वो वीकनेस रह गया क्या आई एम मैनेजिंग माय वीकनेस ओके इन दिस इस तरह से आपको क्या करना है आप जो भी बताएंगे उसको सिस्टमैटिक उसको हैंडल करना है सो दैट ही विल गेट कन्विंस अदर्स दैट यू आर गुड बहुत सारी चीजें हैं कमीशन स्किल के ऊपर काम कीजिए ऑप्टिमाइजेशन रहिए और यदि आप फेलियर होते हैं तो देयर आर कंसीडर दैट स्टेपिंग स्टोन फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस देखिए कब रहेगा कब रहेगा यदि ऐसा होता है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस ऐसा यदि होता तो जो लोगों ने 3 साल में पॉली करने वाले 6 साल में जिसने पॉली किया उसको तो शायद गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए है ना उसको तो एकदम एमएससी में जॉब लगना चाहिए क्यों जो 3 साल में पॉली करते उन्हीं को क्यों मिलता है जॉब है ना यदि ये ऐसा सही होता है जो लिखा है इस पे है ना बहुत बार बहुत एक्सपर्ट बोलते हैं ना स्पीकर बोलते हैं कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर स्टेपिंग स्टेप फॉर द सक्सेस और फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस वो है क्योंकि क्यों अब इसको मैं आपको समझा ये कब आपके लिए स्टेपिंग स्टोन बन सकता है जब रहाटे सर आपको कितनी कंपनी दे रहे आज आज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि रहाटे सर आपको इतनी कंपनी देंगे कि आप थक जाएंगे इंटरव्यू देते देते लेकिन सर आपको अपॉर्चुनिटी देते देते नहीं थकेंगे उतना सर का अच्छा नेटवर्क पर आप कब सुधरेंगे अपने आप को कब इंप्रूव करेंगे When you appear for first interview, suppose CA, and if you rejected in HR round or in interview round, first analysis banayenge, apna khud ka, ki what mistake you made, tum jana main kya karo, what mistake you made in an interview, and that's why you reject. So that in the next interview, you will not repeat that. Yadi aap aisa karenge to likh ke de do,
एक कट गया, दूसरा कट गया, तीसरे इंटरव्यू में आराम से सिलेक्ट हो गया। और एक चीज बताने का रहेगा रिज्यूम में, डिफरेंट रिज्यूम फॉर डिफरेंट कंपनी मैंने बोला। मैं एक बार आपने रिज्यूम बनाया उसके 10 जेरोक्स नहीं करने हैं, डस अंडरस्टैंड। डाल डाल कंपनी आती तो उसके लिए रिज्यूम अलग रहेगा, महिंद्रा महिंद्रा आती उसके लिए रिज्यूम अलग रहेगा, जो भी कंपनी आएंगी उसका रिज्यूम अलग रहेगा। यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर रिज्यूम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। कभी कभी आप यदि वो सिर्फ जेरोक्स सब रखेंगे तो दिक्कत क्या होता है मैं बता दूं। कोई कह दे आपने कोर्स कर लिया 20-25 हज़ार 30 हज़ार रख करके, शायद डिजाइन का कोर्स एग्जाम्पल, और आपको बताया कि ऐसी कंपनी है जिसका डिजाइन के साथ कोई दूर दूर का कोई नाता नहीं है, करेक्ट? और यदि आप वो चीज उसमें मेंशन करते हो तो आपको उसका कोई वेटेज मिलने वाला का नहीं, उसका ड्रॉबैक हो सकता है। ड्रॉबैक क्या हो सकता है? सी इफ यू आर डूइंग एन नंबर ऑफ डिजाइन कोर्स, योर प्रोजेक्ट ऑल्सो ऑन अ डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग लुकिंग लाइक डिजाइन डिजाइन एंड डिजाइन, एंड कंपनी कमिंग फॉर द इंटरव्यू एंड दे हैव नो कनेक्शन अबाउट द डिजाइन, दे क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम योर रिज्यूमे दैट योर इंक्लिनेशन अबाउट द डिजाइन फील्ड, डिजाइन सेक्टर, इवन दो यू आर गुड इन परसेंटेज एंड व्हाट एवर द थिंग इज, यू आर एट ऑल नॉट सुटेबल फॉर दैट। मतलब हमने लिखा क्या के लिए रिज्यूमे? इंप्रेशन मारने के लिए। इंप्रेशन हुआ क्या? नहीं। क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इंटर्नशिप कहाँ किया है, जो कौन सी चीज मैच हो रही है उस कंपनी के लिए, वो सब चीजें उसमें आना चाहिए आपके रिज्यूम में। और हर कंपनी के लिए रिज्यूम सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। और एक और चीज आजकल बहुत फैशन आ चुका है, करियर ऑब्जेक्टिव, गूगल में देख लिया करियर ऑब्जेक्टिव, कॉपी पेस्ट लेके डाल दिया। देखिए सबसे पहले तो आप फ्रेशर्स है, नो वन एक्सपेक्टिंग करियर ऑब्जेक्टिव, कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी आपको लगता है डालना, एकदम सिंपल सा देखिए, उसको पहले समझिए और उसको कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं, पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए। मतलब यदि आप अपने आप को कन्विंस हो गए कि ये लिखने के बाद इसके ऊपर पूछा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, देन एंड देन मेंशन, अदरवाइज डोंट मेंशन, कीप इट इज ब्लैंक, नो इशू, नो नीड टू मेंशन करियर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज़ यू पीपल आर फ्रेशर्स, दे आर लुकिंग एज अ टेक्निकल स्किल पीपल, ओके यू पीपल, they will first train you on that technology and then they expect to work from you. So that is not actually very expectation. Next. ये चीज आपको समझ रहा है? आप remember you are the product as well as self person. मतलब आप ही खुद product है और अपने आप को खुद ही को आपको बेचना है as a self person. तो हमें इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए, यदि क्वालिटीज आपने ज्यादा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो सेल्स पर्सन की क्वालिटी कम रहा तो भी यू कैन सेल योरसेल्फ वेरी इजीली, पर यदि प्रोडक्ट सही नहीं है तो आपकी सेलिंग क्वालिटी क्या होना चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सो दैट यू विल एबल टू सेल इट योरसेल्फ प्रॉपरली। सेल करना है अपने आप को, यदि बेच पाए तो सक्सेसफुल, नहीं बेच पाए तो रिजेक्टेड, है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। सब कुछ करने के बाद इंटरव्यू में ऐसा जान क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, अपने आप को समझाएंगे क्या? जाने दो ना कि यही इंटरव्यू क्या राटे तक तो नेक्स्ट कंपनी देने वाले है, पहला, करेक्ट। दूसरा, क्या पूछने वाला है? मेरे को जो मालूम है पहली बार तो मिल रहा है, जो मैंने रिज्यूम में लिखा है वो तो मेरे को मालूम है, और जो मैंने 4 साल 3 साल में जो पढ़ा है वो मेरे को मालूम है, उसको क्या मालूम, वो तो अभी 10 साल पुराना बंदा है, जो मैं बताऊंगा उसको मानना ही है। दूसरी बात, जो मुझे मालूम है उसको नहीं मालूम, गो अहेड और इस कॉन्फिडेंस के साथ एंटर दो, बट कीप अ मैनर्स एंड एवरीथिंग, और पूरा प्रिपरेशन के साथ, पहला प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, कंपनी की पूरी डिटेल, वो सब चीजें होना चाहिए, कीप योर ऑल प्रिपरेशन रेडी एंड देन एंटर विद दिस कॉन्फिडेंस। तो प्रिपरेशन आपने कुछ भी नहीं किया एंड देन यू एंटर विद दिस कॉन्फिडेंस तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। सब प्रिपरेशन करने के बाद दिस इज द लास्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू जस्ट टू रेज योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतनी लो है ड्यूरिंग इंटरव्यू तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है हमें, हमको अरे ऐसा ऐसा मुझे पता था लेकिन पता नहीं कैसे के दिमाग में नहीं है, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरव्यू एंड लिटिल बिट अबाउट द रिज्यूम। रिज्यूम का देयर इज नो एज सच एनी फॉर्मेट, रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस होने चाहिए, आपकी इंटर्नशिप होना चाहिए, और इन एडिशन टू दिस वो चीज होना चाहिए जो आप कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो जो भी आपके चाइल्डहुड से है पहिल्या वर्गापासून पॉलिटेक्निक पर्यंत अशी कोणतीही गोष्ट त्याच्यात मॅच होणारी काही असेल तर त्याच्यात ते लिहायचा प्रयत्न करायचा. मतलब जो भी चीज आपको लगता है कि अभी तक के एज में जिस कंपनी के आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वो यदि आपके पास है मेंशन. इट मे बी दैट यू पार्टिसिपेटेड इन सम साइंस कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग योर 10th और 12th. मेंशन इट. तो जो भी आपको लगता है कि विच इज सपोज टू बी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग इंप्रेशन टू द इंटरव्यू पीपल और एचआर पीपल और कंपनी पीपल पुट इट. बट योर रिज्यूम मस्ट बी यूनिक फॉर each and every company. Don't make copy paste. That is all about the resume. Short, not possible to cover today's lecture. Okay, if you want, for that again, we keep another interaction. So with this, I would like to conclude my session and our discussion here. I hope everyone you enjoy. I hope that everyone will get some inputs from my end. I hope that I utilize your time. I utilize my time. And best of luck for your campus. And then start preparing today on the tips which is provided by me and provided by Ratasar, because Ratasar already provided some tips. Okay, start speaking in English, start behaving like an executive one, because manners and all this that will not come in a day, one or even 1 month. It is a long term process. Correct? Abhi se yadi aap ek executive saman behave karna chalu karenge to interview mein aur impact hoga. To aap bolenge ki nahi kal interview mein aaj executive ke saman rehte hai, you will not, that will not reflect to your body language. So if you start behaving like an executive one, start behaving that you are working in any multinational company, start speaking English, start reading English newspaper, English, start becoming the same level with the English news channel. If you are doing this, I tell you, up to interview, your English minimum up to acceptable that you have. Okay. And then if you have a financially good, then try to keep your target to get a job in government. Okay. Don't focus on a private sector. If you are supposed so on, it doesn't mean that don't participate in a company. Participate and get an offer letter. But if you are strong in your financial background and all, try to keep a target of minimum government. Okay. So with this, thank you. Thank you for calling me and giving me chance to interact with you and people, energetic people. I hope the things which I discussed, some examples, you people will take it in a maturity way. Okay. And then you will use for your selection process. Okay. Thank you. Okay sir, thank you sir.